जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन विभाग द्वारा उनकी भूमि में होने वाले अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागरी ने बताया कि वन विभाग अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 1.5 साल से लगातार कार्यवाही कर रहा है और अभी भी विभाग द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि चिन्हित करने के बाद अतिक्रमणकारियों को सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। जी, प्रभाग अंतर्गत वन भूमि पर जितना भी अतिक्रमण है उसमें लगातार वन विभाग द्वारा पिछले 1.5 साल से कार्रवाई की जा रही है। उसमें काफ़ी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उसी के क्रम में अभी भी बहुत सारे स्थानों पे अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही कार्रवाई हमारी पूर्ण होती है उन व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के उपरांत जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है उसके प्राविधानों के तहत संपूर्ण लीगल प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत निर्णय लिया जाएगा, जिसमें चिन्हीकरण की कार्रवाई अभी की जा रही है। तो एग्जैक्ट जो आपका डिटेल है, जब चिन्हीकरण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आपके कितने व्यक्ति हैं और कितनी भूमि अतिक्रमित है वो उसके बाद एग्जैक्ट फिगर पता चल पाएगा।